अवतार श्री कृष्ण में देखिए पंच शस्त्र धारण कर कान्हा से कृष्ण बनने की यात्रा होती है आरंभ। कान्हा, इस शंख की शंखनाद से अपनी यात्रा का शुभारंभ करो। और जिसके पश्चात होगा कंस वध के अध्याय का आरंभ। तुम्हें बालक समझकर अंतिम अवसर दे रही, तुम चाहो तो अपनी और अपने दाऊ के प्राणों की रक्षा कर सकते हो। ब्रजवाला, वास्तविक योद्धा अवसर नहीं आघात देते हैं। कंस वध के लिए पंच शस्त्रों की खोज में निकले कान्हा करते हैं ब्रजवाला से युद्ध, और अपने अंत को भांप चुका कंस करता है मृत वाहिनी सेना को जागृत करने का प्रयास। तीसरे अस्त्र की खोज में निकले कान्हा का सामना होता है एक विचित्र दानव से, जिसकी क्रूरता से त्रासद है पूरा गांव। उस दानव को यहाँ बुलाने का केवल एक ही मार्ग है, हमें इसे किसी स्त्री का प्रलोभन देना होगा। गांव की स्त्रियों की दानव से रक्षा के लिए मोहिनी रूप की शक्ति का प्रयोग कर कान्हा करेंगे सुंदर कन्या का रूप धारण। अब कैसे करेंगे कान्हा इन दुखी स्त्रियों की रक्षा? पहली बार कोई कन्या मुझे देखकर भागी नहीं, अर्थात तुम वही हो जिसकी मुझे इतने वर्षों से प्रतीक्षा थी। मैया यशोदा की कठिन यात्रा को असफल करने के उद्देश्य से भद्राक्ष करता है यशोदा पर प्रहार। कंस के साथ होने वाले महासंग्राम की ओर अग्रसर होते कान्हा को करना पड़ेगा एक और चुनौती का सामना, जब दानव बाहुक उन्हें ले आता है बंधक स्त्रियों से भरी कंदरा में। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा देवियों। मैं तुम दोनों भ्राताओं का उद्धार अभी कर दूंगा, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे साथ छल किया है। मातृ कवच प्राप्त करने के मैया यशोदा के संकल्प को तोड़ने के लिए साधु का रूप धर षड्यंत्र करता है भद्राक्ष। इसने अपने पुत्र के लिए कुछ मांगा है। और दूसरी ओर शापित दानव का उद्धार करने और देवी स्वधा को सजीव करने के उद्देश्य से कान्हा करेंगे अखंड यज्ञ। मुझे इसी हवन कुंड के भीतर जाना होगा, मेरा अनुमान है कि इसके भीतर कोई ऐसा भेद छुपा होगा जो बाहुक की मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। कान्हा ने तुम्हें वचन दिया है ना, तू अवश्य आएगा। अब वो नहीं आएगा, इसी कारण मैं ये पूरा प्रकरण ही समाप्त कर दूंगा। रथ को प्राप्त करने के लिए सारथी बाहुक बताते हैं कान्हा को नागलोक का मार्ग। वो दिव्य रथ इस समय नागलोक में है प्रभु, आपको नागलोक जाकर उसे प्राप्त करना होगा। जहां उनका सामना होता है असुर राज कंस के साथ। प्रतीत होता है समुद्र का जल यमुना में प्रवेश कर गया है। किसी आने वाले अनर्थ की आशंका से मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। कोई तो रहस्य छुपा है इस जल में। कंस के अंत की ओर बढ़ रहे कान्हा चार अपराजक अश्वों को खोजते हुए पहुंचेंगे दिव्य अश्वलोक। राधा को अपना विरोध करता देख समुद्र राज रत्नाकर बनाते हैं राधा को बंदी। और दूसरी ओर अधर्म के मार्ग पर अग्रसर अश्वों से ब्रह्मपुत्रों को मुक्त कराने आए कान्हा और बलराम फंस जाते हैं सर्वशक्तिशाली अश्वों के मध्य। अश्वलोक में मनुष्य प्रवेश कर चुका है, ढूंढो उन्हें। मुझे अश्वलोक नहीं समस्या लोक लगता है, एक के पश्चात एक समस्या बढ़ जाती है। इससे पहले कि हम उन चार ऋषि कुमारों को खोजे, ये सारे अश्व हमें खोज लेंगे। अश्वगंधा एक चमत्कारी औषधि, मुख्यतः इसकी जड़ों में रसायन पाया जाता है जो बड़े से बड़ा घाव और चोट को ठीक कर देता है। निर्बल व्यक्ति अगर इसे सेवन करे तो उसकी दुर्बलता दूर होती है और मानसिक तनाव भी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस औषधि से इन दोनों बालकों को ठीक कर सकूंगा। छोड़ा तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है तू?
शांत हो जाओ बालक, बालू की यहां नहीं है। वो देखो तुम्हारा साथी भी अब स्वस्थ है। तुम दोनों यहां पर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। कौन हो आप दोनों और आपके यहाँ आने का कारण? हम वृंदावन वासी हैं। मैं काना और ये मेरे दाऊ बलराम। मथुरा नरेश कंस का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो अत्याचारी राजा? हाँ, उसे मारने के लिए हमें दिव्य शस्त्र और दिव्य रथ की आवश्यकता थी जो हमने प्राप्त कर लिए हैं। अब उस जयत रथ को खींचने के लिए केवल 4 ही अश्व है इस संसार में, और वो है बालक और उसकी भ्राता। हम उन्हीं की खोज में यहाँ अश्वलोक आए थे, किंतु यहाँ आकर ज्ञात हुआ कि तो अपने बल के अहंकार में अधन के मार्ग पर चल पड़े हैं और संकादिक ऋषियों को भी बंदी बना रखा है। यदि उन्हें मुक्त नहीं कराया गया तो इस संसार में से भक्ति की शक्ति समाप्त हो जाएगी और बालक जैसा धर्मी इस विश्व का अधिपति बन बैठेगा। अब हम जान सकते हैं ये आप लोग कौन हैं और हमारी सहायता क्यों कर रहे हैं? सहायता हमने आपकी नहीं, अपितु आपने हमारी की है। बाल हक को रोकने का प्रयत्न कर। परंतु उसे रोकना असंभव है। आप दोनों की भलाई इसी में है कि आप लोग अपने लोक वापस चले जाएं। हमें उन ऋषियों को तो मुक्त करवाना ही है, किंतु उसके पश्चात उन चारों अश्वों को धर्म के मार्ग पर भी लाना है, और हमारा ये उद्देश्य पूर्ण किए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। ब्रह्मांड का आदिपति बनने की मंशा लिए कंस करता है देवी लक्ष्मी से विवाह का प्रयत्न। मैं प्रेम पूर्वक आपसे विवाह करना चाहता था, अब बल पूर्वक लक्ष्मीपति बनना होगा। वहीं दूसरी ओर अपने 4 अश्वों को प्राप्त करने हेतु कान्हा करते हैं ब्रह्मदेव का आवाहन, किंतु उसमें बाधक बनता है बाहक का तप। मेरा आवाहन ब्रह्मदेव तक पहुंच क्यों नहीं रहा? कहीं बालक के यज्ञ का प्रभाव तो नहीं? बच्ची मेरा खून है। मतबल मिश्री हमारे गुल्लू की बेटी है। कैसी आवाज सुनाई दे रही हमको? बापू, काश हमें भी माँ और बापू का प्यार मिलता, लेकिन हम तो केवल एक रोबो हैं। इंसान तो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने मतलब के लिए लाते हैं। इंसान क्यों हमसे प्यार करेंगे? अब हम यहाँ तुम्हारी जगह लेने आए। तेरे घर वाले अब मेरे कब्जे में। अब आगे देखो मैं क्या करती हूँ। अबे क्या जोतू, काहे खेत काहे फसल, टाइल्स लगी हुई यहाँ तो। फिलहाल तो मेरे घर को ही जमीन मान लो। तुम्हारे बाथरूम में पानी कुछ कम मात्रा में आ रहा है क्या मेरी बेटी? पानी पानी तो तुमने कर दो सब गुल्लो। अरे तुम आ गई मेरी गुल्लो। अरे हम गुल्लो नहीं, हम मुन्नो मनमोहन तिवारी है बे। दादा बकलोली ना कर, और सुन हमें शाम को मंदिर जाना है, स्कूटर से छोड़ दियो और टेम से आ जाइयो घर। हाँ हाँ अम्मा, हम आओ ना आइसक्रीम खान को मन कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें लगो अकेले अकेले प्रोग्राम मन गो। तुम ना लल्लू के लल्लू ही रहे हो, हम आओ अकेले खान को मन ना कर रहा है, तुम्हारे संगे खाने। बदमाश, हमसे झूठ बोल रहा हो तो कि कमिश्नर साहब लाइन पे हैंगे। घर आ, तेरी लाइन तो हम खींचते। माधव की जिंदगी से, इस घर से, इस परिवार से बहुत दूर चली जाओ, जाओ यहाँ से। ये सब क्या है, कहाँ जा रही है तू? वैदी रुक जा, वैदी तू कहाँ जा रही, वैदी रुक जा। मेरी बच्ची मेरा खून है। मतबल मिश्री हमारे गुल्लू की बेटी है। कैसी आवाज सुनाई दे रही हमको? मिश्री बापू, काश हमें भी माँ और बापू का प्यार मिलता, लेकिन हम तो केवल एक रोबो हैं। इंसान तो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने मतलब के लिए लाते हैं। इंसान क्यों हमसे प्यार करेंगे? अब हम यहाँ तुम्हारी जगह लेने आए। तेरे घर वाले अब मेरे कब्जे में।
अब आगे देखो मैं क्या करती हूँ। अबे क्या जोतूं, काहे खेत काहे फसल, टाइल्स लगी हुई यहाँ तो। फिलहाल तो मेरे घर को ही जमीन मान लो। तुम्हारे बाथरूम में पानी कुछ कम मात्रा में आ रहा है क्या मेरी बेटी? पानी पानी तो तुमने कर दो सब गुल्लो। हाय। अरे तुम आ गई मेरी गुल्लो। अरे हम गुल्लो नहीं, हम मुन्नो मनमोहन तिवारी है बे।